बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे लो बेस एग्ज़ाम में जहांगीर कंप्यूटर साइंस क्लास 9th यूनिट नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का हमारा टॉपिक है, उसका दूसरा वीडियो है। आज हम कुछ मज़ीद डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस, पहला डिवाइस जो है उसमें है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले डिफरेंस इंजन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस इंजन जो है इसको J.H. मोलर ने प्रपोज किया था, फिर चार्ल्स बेबेज साहब ने इस पर कई सालों तक काम किया। कुछ हिस्ट्री की किताबों में है कि ही वर्क फॉर 18 ईयर्स, तो बहुत सारे सालों तक उस पर काम किया लेकिन उसको कंप्लीट करने में कामयाब ना हो सका। चार्ल्स बेबेज वर्क, इसका हमारा पहला पॉइंट है, चार्ल्स बेबेज वर्क ऑन डिफरेंस इंजन फॉर मेनी ईयर्स बट फेल टू कम्प्लीट इट। अच्छा, जब आप एक मशीन पर इतने सालों सालों तक काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में भी अपने नए नए आइडिया आते हैं। तो सिमिलरली चार्ल्स बेबेज साहब जो हैं उनके जहन में भी नए आइडिया आया, जिसको उन्होंने नाम दिया एनालिटिकल इंजन। लेटर प्रपोज्ड एनालिटिकल इंजन बट आल्सो फेल बिकॉज ऑफ अंडर डिवेलप्ड टेक्नोलॉजी। चार्ल्स बेबेज का जो आइडिया था वो तो बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़बरदस्त आइडिया पेश किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी डिवेलप नहीं थी कि उस आइडिया को सपोर्ट करे। मतलब आइडिया तो अच्छा है लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड नेम इज़ फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। एक फ़ायदा उसका ये हुआ कि चार्ल्स बेबेज साहब जो हैं उनके आइडिया ने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ऐसा क्या था उस एनालिटिकल इंजन में जो कि जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हम कंपेयर करते हैं एनालिटिकल इंजन को आज के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ। एनालिटिकल इंजन के बारे में चार्ल्स बेबेज ने जो प्रपोज़ किया था, एक आइडिया दिया था कि उसमें 5 यूनिट होंगे और हमारे आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनके साथ मुवाजना करते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। चार्ल्स बेबेज साहब ने कहा था कि उसका जो एनालिटिकल इंजन होगा उसका पहला हिस्सा जो होगा उसका नाम उन्होंने इनपुट यूनिट रखा था। और आजकल हमारे कंप्यूटर्स में भी इनपुट के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। चार्ल्स बेबेज साहब ने दूसरा कहा था कि मेरे एनालिटिकल इंजन का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा मिल। और आजकल के कंप्यूटर में मिल का काम जो था प्रोसेस करना था डेटा को, और आजकल के हमारे कंप्यूटर में ALU जो कि प्रोसेसर का हिस्सा होता है उसका काम भी प्रोसेसिंग का होता है। तीसरा यूनिट बेबेज साहब के एनालिटिकल इंजन का जो था उनका नाम उन्होंने कंट्रोल यूनिट रखा था, और सिमिलरली आजकल के कंप्यूटर में भी कंट्रोल यूनिट होता है और वो भी प्रोसेसर का हिस्सा होता है। एनालिटिकल इंजन का जो चौथा हिस्सा था उनका नाम चार्ल्स बेबेज ने स्टोर रखा था, और आजकल के हमारे कंप्यूटर्स में मेमोरी इस्तेमाल होता है और मेमोरी की दो टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। पांचवा यूनिट उसका था आउटपुट यूनिट, और आजकल के हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में भी आउटपुट यूनिट होते हैं जिस तरह मोनीटर, स्पीकर, प्रिंटर एट्सेट्रा। तो अगर आप एनालिटिकल इंजन के यूनिट्स को, हिस्सों को, पार्ट्स को और आजकल के डिजिटल कंप्यूटर्स के यूनिट्स को, हिस्सों को और पार्ट्स को कंपेयर करें तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी, एंड दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड इज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है या आपसे कोई पूछ लेता है कि उसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, तो आप इन हिस्सों को की कंपेरिजन करके जो है ना बहुत आसानी से अपनी बात को प्रूव कर सकते हो कि ही इज़ रियली द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है होलरिथ डिस्क। डॉक्टर हरमन होलरिथ इन्वेंटेड टबुलेटिंग मशीन फॉर द सेंसेस ऑफ 1890 इन अमेरिका। 1890 में अमेरिका में मर्दमशुमारी हो रही थी, सेंसेस हो रहा था, उसके लिए डॉक्टर हरमन होलरिथ ने एक मशीन बनाया था जो कि टेबल की सूरत में डेटा को उसमें फीड किया जाता था और रिज़ल्ट भी जो है टेबल की सूरत में देता था। अच्छा, उस मशीन में या उस उन्होंने जो डिवाइस बनाई थी उसमें चीज़ें क्या थी, उसमें डिस्क इस्तेमाल होते थे। डिस्क में क्या था, कंसिस्ट ऑफ कार्ड रीडर विच सेंस होल इन द कार्ड। उसमें कार्ड को, कार्ड में होल को, होल से जो है ना हमारा डेटा होता था, डेटा की जो है ना रिप्रेजेंटेशन होती थी, और उनको रीड करने के लिए हमारे पास कार्ड रीडर होते थे।
अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता था कि ये किस तरह रीड करते थे? गियर ड्रवन टू काउंट, उसमें गियर की तरह गियर से जो है ना उसको चलाया जाता था। आई मीन्स कि मतलब जिस तरह गियर से जो है ना चीज़ों को घुमा के इस तरह करके काउंटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करता था। अच्छा, इसके रिजल्ट्स हमें किस तरह मिलते थे? रिजल्ट्स के लिए हमारे पास लार्ज सेट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर डिस्प्ले, और रिजल्ट को दिखाने के लिए उसमें इंडिकेटर्स लगे होते थे जिससे हमें रिज़ल्ट जो है शो होता था। अच्छा, इसमें अगर इसको हम समराइज करें तो हम इस तरह कहेंगे कि डॉक्टर हर्मन होजरेथ ने 1890 में सेंसिस के लिए एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी जिसमें डिस्क होता था और डिस्क में जो है कार्ड रीडर होते थे, और कार्ड रीडर का काम ये था कि वो कार्ड में होल्स को जो है सेंस करे, और वो गियर ड्रिवन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए उन होल्स को काउंट करता था, और उन होल्स की काउंटिंग से ही हमारा जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन हासिल होती थी, और रिज़ल्ट को दिखाने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते थे और वो इंडिकेटर्स जो हैं हमें रिज़ल्ट को डिस्प्ले करके दिखाते थे। अच्छा, लेटर ऑन डॉक्टर हर्मन होजरेथ ने जो है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से एक TMC के नाम से एक कंपनी शुरू की, जो कि बाद में IBM जो कि अभी तक बहुत मशहूर कंपनी है और अभी तक चल रही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये उसी की डॉक्टर हर्मन होजरेथ की कंपनी की ही जो है ना वो नया नाम है। तो ये हमारे पास होजरेथ डिस्क हैं। उसके बाद हमारे पास है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को इन्वेंटेड किया था विलियम ऑटर्ड ने, और उन्होंने लॉगरिथम का आइडिया, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम, जिन्होंने नेपियर बून भी बनाया है, उन्होंने लॉगरिथम का आइडिया दिया था, और उन्हीं आइडिया को इस्तेमाल करते हुए विलियम ऑटर्ड ने स्लाइड रूल को इन्वेंट किया था। और ये जो है सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल होता था। इट इज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से होते थे, एक को हम स्लाइड कहते थे, एक को हम रूल कहते थे। अच्छा, ये स्लाइड और रूल जो थे ये दोनों स्केल्स होते थे, उस पर नंबर्स लेके होते थे, और एक ट्रांसपेरेंट स्लाइड कर्सर होता था, और उस पर आगे पीछे करने के लिए एक शफाफ जो है एक शीशे का बना हुआ इस तरह का एक कर्सर होता था जिसको आगे पीछे करते थे। जो ऊपर के स्लाइड और रूल के दो स्केल हैं उन पे ऊपर आगे पीछे करने से जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काम हल हो जाते थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, दैट इज़ Mark I, कंसिडर्ड एज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। Mark I को पहला डिजिटल कंप्यूटर तसव्वुर किया जाता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कैन एड 3 नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 3 नंबरों को जिसमें 8 हिस्से होते हैं उनको जमा कर सकता था। कैन प्रिंट आउट रिजल्ट ऑन पंच कार्ड्स और इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, इसका रिजल्ट जो होता था पंच कार्ड पे या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे, रिजल्ट इस पे बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता था। और उसमें हैव 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड 50 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई एंड वेटेड 5 टन्स, इसमें 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे होते थे, 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा होता था, और इसका वज़न जो है 5 टन होता था, मतलब एक कंप्यूटर नहीं था पूरा एक कमरा था। तो Mark I जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, अच्छा, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है माना जाता है 3 नंबरों को जिसमें 8 हिस्से होते हैं उनको आप 1 सेकेंड में जमा कर सकते थे, इसकी मदद से रिजल्ट को जो है पंच कार्ड या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे दिखाता था, और इसमें 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस, 50 फुट लंबा, 8 फुट ऊंचा, और इसका वज़न 5 टन होता था। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास, हमने कुछ हिस्ट्री बयान की कि हम किस तरह अबेकस से आए और Mark I तक पहुँचे, और फिर हमारे पास ये नई नई डिवाइसेस बन रही हैं, और आजकल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, बल्कि इम्प्रूवमेंट हो गई है, इससे आगे पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं जो लेटेस्ट हैं, एक है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एक है क्लाउड कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस या HPC क्या है? इज़ द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर रनिंग एडवांस एप्लीकेशंस एफिशिएंटली, रिलायबली एंड फास्ट। अच्छा, HPC जो है इसका क्या काम होता था कि इसमें आप एक वक्त में कई प्रोसेसिंग हो सकती, नॉर्मली हमारे पास तो एक ही प्रोसेसर एक ही वक्त में प्रोसेस कर रहा होता है, एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन HPC में क्या है कि जो एप्लीकेशंस एडवांस हैं जिसको ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है तो उनके लिए एक ही वक्त में उनके मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ प्रोसेसर से प्रोसेस करवाया जाता है, जो कि एफिशिएंट होता है,
रिलायबल होता है और प्रोसेसिंग तो डेफिनेटली जो है ना इसकी फास्ट होगी, क्योंकि एक ही काम मुख्तलिफ लोग अगर करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा। तो सिमिलरली एक ही एप्लीकेशंस की मुख्तलिफ प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मुख्तलिफ प्रोसेसर से हो रही होती है। और दूसरा जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ स्टोरिंग ऑफ डेटा ऑन रिमोट सर्वर इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव। इसमें होता क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका डेटा जो होता है आपके अपने कंप्यूटर पे सेव करने की बजाय या अपने डिवाइस पे सेव करने की बजाय आप इंटरनेट पे सेव करते हो और कहीं भी जाके, मिसाल के तौर पर आप इस्लामाबाद में हैं और आपका कंप्यूटर भी इस्लामाबाद में है, तो अगर आप कराची गए और आपका डेटा चाहिए लेकिन आपके कंप्यूटर में है तो फिर तो आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा या किसी से कहना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का कि अभी आप इंटरनेट पे सेव करो, दुनिया में कहीं भी जाओ तो उससे जो है उधर आपका डेटा मौजूद होगा अगर इंटरनेट की कनेक्शन है, और उधर आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का। आई डू होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका मसला हल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।